बेटा मेरी बात को बड़े सब्र से सुनना और तुम्हें बहुत हौसले का मुजाहरा करना होगा। क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो बात बात कुछ ऐसी है कि बात यह है बेटा कि सलमान का फोन आया था मेरे पास। वो कह रहा था कि सारा बहन इस दुनिया में नहीं है। सब्र करो बेटा, सब्र। ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई मसला जरूर होती है बेटा। फिर मैं ही क्यों पापा, फिर मैं ही क्यों? अभी अपनी एक माँ का दुख नहीं बोली थी मैं, मुझसे दूसरी माँ भी चाहिए। बेटा ऐसे नहीं कहते, हम सब तो उसी की अमानत है, जब चाहे जिसको बुला ले बेटा। बस तुम हौसले से सबर से काम लो, अपनी माँ के लिए दुआ करो बेटा। नहीं, मुझ में हौसला नहीं है पापा, मुझ में हौसला नहीं है। मैं थक गई हूँ गम सहते सहते, मुझ में हौसला नहीं है। मुझे बेटा सबर करो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है और वो हर दुख के साथ उसे सहने की हिम्मत भी अदा करता है बेटा। बस अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान है बस। तो भी देख लिया ना तुम लोगों ने मेरा तजुर्बा। मैं ना कहती थी कि तन्हाई बड़े बड़े दुश्मनों को दोस्त बना देती, और फिर ये तो रहे मियाँ बीवी, तो मियाँ बीवी को कौन अलग रख सकता है। वैसे वाकई अम्मी, मान गए आपकी जहानत को। मैं तो हैरान हूँ फैजान को देख के कि ये वही फैजान है जो फलक से बात तक नहीं करना चाहता था, और आप देखें आप लोग। फैजान तो फैजान, मैं तो फलक को देख कर हैरान रह गई। मैं सोच रही थी ये वही फलक है जो उसके लिए हमसे झगड़ा कर रही थी, जो कल तक फैजान की शक्ल देखने की रवादार नहीं थी। ये सब तो सिर्फ अम्मी के मशवरे की वजह से मुमकिन हुआ, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, हमारे तजुर्बे के आगे इन लोगों की लड़ाई क्या माने रखती है? हमने तो बड़े बड़े दुश्मनों को एक हाट पानी पिलवाया है। अच्छा अम्मी, वैसे किन दुश्मनों की बात कर रही हैं? अरे अब इन सब लोगों के नाम मुझे कहाँ याद रहे होंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने इन दोनों बच्चों की है कि नहीं? बड़े आए थे एक दूसरे को नापसंद करने वाले, अब देख लो तुम्हारे सामने है। वाकई अम्मी ये तो है, आपके इस मशवरे से ना सिर्फ ये दोनों एक हो गए बल्कि हम सब भी एक हो गए। बेटा वो जो कहते हैं ना कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो टहनियों की तरह से होते हैं, जो शाखों को जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से दरख्त की खूबसूरती और जिंदगी में इजाफा होता रहे, वो बढ़ता रहे। बेशक अम्मी, इसमें कोई शक नहीं। बेटा जरा सा पानी और पी लो बेटा। नहीं पापा, बस तुम जाओ मुझे।
बेटा जब खुदा इस दुनिया से किसी को उठाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई और मरने वाले शख्स की कमी को पूरा करने के काबिल हो गया है। उकसाना बहन और तुम्हारी माँ की कमी अब तुम्हारी बेटी पूरा करेगी, इसलिए अब तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरी जिंदगी में कमी कौन पूरी करेगा पापा? मुझे कौन सहारा देगा? ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? मैं हूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारी औलाद होगी तुम्हारे पास, और तुमने तो हमेशा अपनी जिंदगी खुद को हौसला देते हुए गुजारी है, आज क्यों हिम्मत हार रही हो बेटा? पापा चले चले, मुझे अम्मी को देखने चले। क्यों बेटा इस हालत में? मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ पापा, मैं अम्मी का आखिरी बार दीदार करना चाहती हूँ, चले। तो बेटा हम इस बारे में आराम से बात करेंगे, तुम इस वक्त मेरे पास आराम से बैठो। बात में बात? नहीं पापा, बात में नहीं। आप सलमान भाई को फोन करें, उन्हें बताया मारे हमें जाना चाहिए आज ही। लेकिन बेटा डॉक्टर इस हालत में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देगा। डॉक्टर को क्या पता मेरा वहाँ जाना कितना जरूरी है? पापा वहाँ मेरी माँ है। बेटा सलमान भी तुम्हें इस तरह आने की इजाजत नहीं देगा। तुम खुद इस तरह अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगी तो रुखसाना बहन की रूह को भी तकलीफ पहुंचेगी बेटा। उन्हें तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। सही मानों में अगर तुम्हें उनकी बेटी होने का सबूत देना है तो उनको अच्छे लफ्जों में याद करो, उनके लिए दुआ करो। कितनी बदनसीब बेटी हूं मैं, अपनी माँ का आखिरी बार दीदार भी नहीं कर सकी। हमें वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम उनकी वजह से तकलीफ उठाओ। हम उनके सारे सवाब के लिए यहाँ कुरान खानी कर लेते हैं, लोगों को बुलवा लेते हैं, और जो उनका हक है उनका हक अदा करें। तुम समझ रही हो? रामी बेटा, रामी बेटा होश में आओ, रामीन रामीन होश में, रामीन, नर्स नर्स जल्दी आइए, नर्स। दानियाल, दानियाल। हाँ क्या हुआ? कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं। खो तो तुम गए थे, रामीन रामीन कहते पता नहीं कहाँ निकल गए थे। क्या कह रहा था मैं अलवीन? यही कि तुम रामीन से बहुत प्यार करते हो। वाकई बहुत प्यार करता हूँ मैं रामीन से। बहुत बार कोशिश की मैंने कि वो मेरी बात सुने, लेकिन उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, मेरी कोई बात मानी नहीं उसने। काश नहीं, काश के वो एक बार मेरी बात सुन लेती तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। तुम बोर हो रही होगी ना मेरी बातें सुनकर? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि तुम अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह दो ताकि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। जिसको मेरी बात सुननी चाहिए वो तो मेरी बात सुनने ही नहीं चाहते, और तुम उसकी खातिर अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। लिसन दानियाल, मैं तुम्हें रामीन से मिलने से या उससे बात करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान ये जो दूरी आ गई है ये खत्म हो जाए, लेकिन उसकी खातिर
तुम अपना ख्याल रखना छोड़ दो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में और भी लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कोई भी नहीं अलवीना मेरी जिंदगी, किसी के लिए भी मैं काबिल एतबार ही नहीं रहा। तुम रामीन की तस्वीर देखना छोड़ोगे तब तुम्हें कोई और नजर आएगा ना, लेकिन शायद शायद तुम देखना ही नहीं चाहते। छोड़ो ना ये बातें, चेक इट आउट, इसमें हमारी सारी पुरानी तस्वीर है, वो एक एक लम्हा जो हमने साथ गुजारा है, मैंने सब कुछ संभाल के रखा है। सी अम्मी, मेरी आपकी चादर। अरे ये चादर तुम्हारे पास है? मैं अपने कपड़ों में देख रही थी, मुझे भी अभी अभी नजर आई तो सोचा आपको दे। अच्छा तुमने अलवीना से बात की? अम्मी मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसका मूड इतना खराब रहता है कि वो उल्टा मुझसे ही नाराज हो जाती है। बेटा तुम अलवीना को समझाओ कि घरों में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, इस तरह से लाओबालीपन से तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। दुनिया वालों को भी हमें मुंह दिखाना होता है, लोग बातें करते हैं। अम्मी मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो है कि अपनी जिद पे अड़ी रहती है, कहती है मेरी जिंदगी है, इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। अरे बेटा क्यों दखल अंदाजी ना करे कोई, ये घर है, कोई मेहमान खाना तो नहीं है, यहाँ भी रहने के कुछ दस्तूर होते हैं, ये नहीं कि जो जिसका जी चाहे करता फिर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मगर क्या मतलब बेटा, तुम उसकी माँ हो के मुलाजमा, अगर यूं नहीं मानती तो तुम उससे सख्ती से बात करो। ये तो कोई बात ना हुई कि जब उसका जी चाहा घर छोड़कर चली गई, घूमने फिरने निकल गई, अब सुबह से वो गायब है, तुमने ये नहीं पूछा कि वो कब गई, कहाँ गई है, किससे पूछ कर गई। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं बात करूंगी उससे। बेटा बेहतर है कि तुम ही उससे खुद बात कर, मैं कुछ कहूंगी ना तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए। मैं ये आपके कमरे में रख देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, शुक्रिया। और उसने जिम्मेदारी ले ली है तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढने की। जूस। थैंक यू अलवीना, लेकिन अलवीना प्लीज ये सब कुछ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इस घर की नौकर थोड़ी है जो ये सब कुछ कर रही है। मेरे ख्याल से एक वर्ड होता है दोस्ती, मगर शायद आप भूल गए। रिमेम्बर यूनिवर्सिटी के दिनों में आप मेरे लिए अक्सर जूस लेकर आते थे। अलवीना वो यूनिवर्सिटी थी, ये मेरा घर है, तुम्हारी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, तुम उसको डिस्टर्ब करके यहां पर होती हो। जो पर्सनल ही तो है। ऑलराइट, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आइंदा से नहीं करूंगी। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे अब हम दोस्त भी नहीं रहे। अच्छा बाबा मूड तो ऑफ मत करो, मैंने यूं ही बात कह दी थी। अच्छा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं सोच रहा था अलवीना के कि बोलो ना दानियाल, चुप क्यों हो गए? सोच रहा था कि रामीन से एक बार बात कर कर देखूं, शायद वो मेरी बात सुन ले। हाँ देख लो,
अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी वो तुम्हारी बात सुनेगी तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? लेकिन तुम उससे बात क्या करोगे? रामीन से उस शख्स के बारे में पूछूंगा जो उसे फोन करता था। कुछ तो जानती होगी रामीन उसके बारे में। I don't think so, दानियाल, कि रामीन उस शख्स के बारे में कुछ भी जानती होगी। रवीना, तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती हो कि रामीन उस शख्स को नहीं जानती हो? नहीं, श्योरिटी से मैं कैसे कह सकती हूँ, लेकिन तुम खुद ही सोचो दानियाल कि अगर रामीन उस शख्स के बारे में कुछ भी जानती तो एटलीस्ट तुमसे तो कहती ना। रामीन उसे जानती हो या ना जानती, लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मेरी जिंदगी खराब की। दानियाल छोड़ो ना, हैव अ जूस। ये है जियो।